नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जो शायद क्राइम की दुनिया में ऐसी घटना पहली बार हुई होगी। ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे कि क्या ये भी संभव है। राजस्थान के जोधपुर में काफी लोग परेशान हो गए थे क्योंकि नाली जाम हो गया था, नाली का पानी बाहर निकल ही नहीं रहा था। लोग जाके कंप्लेन करते हैं, दो सफाई कर्मी आते हैं और नाली को साफ करने लगते हैं। जब एक सफाई कर्मी फावड़ा मारता है, कुदाल मारता है, तो वो जाके किसी चीज से टकराता है, वो होता है बैग। उस बैग को जब वो सफाई कर्मी बाहर निकालता है और उस बैग को खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग आते हैं और वो भी देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो भी चिल्लाने लगते हैं और पुलिस वाले को फोन कर देते हैं। पुलिस वाले पहुंचते हैं तो उस बैग के अंदर होता है इंसान का हाथ और इंसान के कुछ बॉडी पार्ट होते हैं। पुलिस वाले हरकत में आते हैं और इस केस को, यानी कि इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में जुट जाते हैं। पुलिस वाले तहकीकात करने लगते हैं कि आखिर इस बैग में किसका लाश है और ये घटना किसने अंजाम दिया है। पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिलता है, वो तह तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उसमें सर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट थे। बॉडी पार्ट से भला कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये किस इंसान का बॉडी है। फिर पुलिस वाले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और तहकीकात जारी कर देते हैं। तभी एक पुलिस की नजर उस बैग पे पड़ती है जिस बैग पे दुकान का नाम छपा हुआ होता है। उस दुकान पे जाके भी तहकीकात किया जाता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता है क्योंकि दो बैग होता है और दोनों बैग अलग अलग जिले से होता है, यानी अलग अलग जिले के दुकान से होता है। फिर पुलिस वाले अलग अलग जिले में जितने भी थाना था उस सभी थाने को ये काम दे दिए कि आप पता लगाइए कि आपके पास कितने गुमशुदगी का रिपोर्ट है और कितने लोग लापता हैं। सभी पुलिसकर्मी अपने काम में जुट जाते हैं और पता लगाने लगते हैं कि उनके इलाके में कौन कौन लोग गुम हुए हैं और कितने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ है। तभी पता चलता है कि मेडता सिटी एक जगह है जो नागौर जिला में है और उसी नागौर जिला में एक गाँव है खाकड़की गाँव। खाकड़की गांव में एक इंसान लापता है जिसका नाम होता है चरण सिंह। चरण सिंह के घर पुलिस वाले पहुंचते हैं और जांच करने लगते हैं, उनसे बातचीत करने लगते हैं उनके परिवार वालों से, तो पता चलता है कि 10 अगस्त 2020 को चरण सिंह लापता हो गए थे और पुलिस में गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाया गया था लेकिन पुलिस वाले इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिए। चरण सिंह गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन आखिर चरण सिंह गए कहां? और इधर पुलिस वाले और नाले की सफाई करवा रहे थे कि कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कटा हुआ सर मिल जाए, और होता है वही कि कटा हुआ सर मिल जाता है। और चरण सिंह के परिवार वालों से जब कटा हुआ सर दिखाया जाता है तो चरण सिंह के परिवार वाले बोलते हैं कि ये चरण सिंह ही है। ये तो पता चल गया है कि जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या हुआ है, वो चरण सिंह है। तो आखिर चरण सिंह को किसने मारा? तो देखा जाता है तो उनके इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं है, उनके जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चरण सिंह से जलता हो या चरण सिंह से उनकी दुश्मनी हो। फिर चरण सिंह की कॉल डिटेल देखा जाता है, चरण सिंह की कॉल हिस्ट्री देखी जाती है, चरण सिंह की लास्ट लोकेशन देखा जाता है, तो पता चलता है कि चरण सिंह का सबसे लास्ट कॉल पे बात हुई थी उनकी पत्नी सीमा से। उनकी पत्नी सीमा से बहुत पहले चरण सिंह की शादी हो गई थी लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक प्रथा चलता है कि पत्नी से शादी हो जाती है और उस समय पत्नी बहुत कम उम्र की होती है, जिसके वजह से 5 साल 6 साल 7 साल बाद उस लड़की का गौना होता है, यानी कि वो अपने ससुराल आती है। चरण सिंह भी बड़े हो गए थे और सीमा भी बड़ी हो गई थी और चरण सिंह बार बार अपने ससुर यानी सास से फोर्स करते थे, बोलते थे कि अब गौना कर दिया जाए, ससुराल भेज दिया जाए सीमा को, वो मेरे साथ अब रहेगी। लेकिन सीमा इस बात से इनकार करती रही कि मैं उनके साथ अभी नहीं रहूंगी क्योंकि मैं बच्ची हूँ। घर वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर सीमा क्यों ना बोल रही है। लेकिन सीमा बच्ची नहीं, सीमा यंग हो चुकी थी, सीमा का एज हो चुका था, उसके बावजूद भी वो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती थी और चरण सिंह बार बार अपने सास ससुर से ये बात बोल रहे थे। फिर सीमा को लगा कि अंततः मुझे अपने पति के साथ जाना ही पड़ेगा, इसीलिए सीमा एक बार फोन करती है अपने पति के पास। 10 अगस्त 2020 को अपने पति के पास सीमा फोन करती है
और बड़े ही प्यार से अपने पति से बात करती है। लाइफ में पहली बार इतना प्यार से सीमा अपने पति से बात की थी। चरण सिंह भी काफी खुश हो गए थे कि चलिए मेरी पत्नी बहुत प्यार से बात की है। और फिर पत्नी बोलती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। सीमा बुलाती है, बनार एक जगह है, वहीं पे उसकी दीदी का घर होता है। बोलती है अपने पति चरण सिंह से कि आप बनार आ जाइए मेरी दीदी के घर, वहीं मैं आपसे मिलूंगी और आप जो बोलिएगा वो मैं आपके साथ करूंगी। चला जाता है चरण सिंह उसके दीदी के घर। जब जाता है तो देखता है कि उसकी तीनों बहन यानी कि सीमा की तीनों बहन सीमा, प्रियंका और बबीता वहीं पे मौजूद होती है और शराब का पैक लगा रही होती है एक गिलास में। चरण सिंह भी बैठता है, तीनों लोग पीते हैं यानी कि तीनों साली, उनकी पत्नी और दो सालियां, और वो एक साथ ड्रिंक करते हैं और पीते हैं। जब तीनों नशे में हो जाते हैं तो फिर सीमा अपने पति के साथ चरण सिंह के साथ एक कमरे में चली जाती है और चरण सिंह अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बदन के कपड़े निकाल देते हैं। पहली बार सीमा को कोई किसी लड़का ने टच किया था, उसके बदन को टच किया था, और ये बात सीमा को रास नहीं आती है। सीमा गुस्सा हो जाती है। सीमा पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी कि मेरा पति आएगा तो उसको मौत की नींद सुला दूंगी। एक पशु चिकित्सक है, पशु डॉक्टर है, जिसका नाम होता है भियाराम जाट। भियाराम जाट से वो बात कर चुकी थी और उसने एक इंजेक्शन दिया था और बोला था कि ये इंजेक्शन किसी को भी लगाओगी तो बेहोश हो जाएगा। जब शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था उसका पति, तभी सीमा वो इंजेक्शन लगा देती है और उसका पति बेहोश हो जाता है। फिर दरवाजा खोलती है, अपने बहनों को बुलाती है और तीनों मिलकर उसके पति अपने जीजा को मौत की नींद सुला देती है। उसके बाद ये होता है कि लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, तो उसी में से एक लड़की बोलती है यानी सीमा की बहन बोलती है कि मिक्सी में इसको पीस के बहा दिया जाए। मिक्सी में पीसा जाने लगता है उसके बॉडी पार्ट्स को, लेकिन होता यही है कि कुछ समय बाद वो मिक्सी खराब हो जाता है। फिर लगा कि अब इस लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, कैसे बहाया जाए, क्या किया जाए। तभी उस घर में एक ग्राइंडर मशीन होता है, उसी ग्राइंडर मशीन से उसके लाश को, उसके बॉडी को काटने लगते हैं और काट काट के दो थैले में पैक करते हैं। सर को कहीं और फेंक देते हैं और वो थैला लेकर यानी कि थैला एक बाइक पे लेकर बैठ जाते हैं। सीमा बाइक चलाती है और उसकी बहन पीछे बैठ जाती है और उसे इधर उधर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी एक सुरक्षित जगह नहीं दिखता है जहां पे वो फेंक सके। फिर वो लास्ट में गाड़ी रोक देते हैं, एक प्लांट होता है उसी के इर्द गिर, और उसी प्लांट से एक बड़ा सा नाला गुजर रहा होता है। लास्ट में उसी नाला में वो दोनों थैला फेंक के वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं और वही थैला उस मजदूर को, उस सफाईकर्मी को मिलता है। फिर सीमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ जारी कर दिया जाता है, तो सीमा ये सारी बातें एक्सेप्ट कर लेती है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि वो तुम्हारा पति था, तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, इसमें क्या जुर्म कर रहा था, वो बोलती है कि मेरे बॉडी को कोई भी टच करता था, कोई भी कुछ करता था तो मुझे गुस्सा आता था। आखिर किसी लड़की को कोई लड़का टच करे, वो भी उसका पति हो, तो उसे क्यों गुस्सा आएगा। ये बात जब जानने की पुलिस कोशिश की तो पता चला कि सीमा लेस्बियन है, उसके बॉडी को कोई लड़की टच करती थी तो उसे अच्छा लगता था, उसके साथ वो जो दिल करे वो करती थी, लेकिन जब कोई लड़का टच करता था तो वो काफी हाइपर हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, और इसीलिए वो अपने पति को अपने रास्ते से हटा दी। वो अपने पति को रास्ते से इसलिए हटा दी क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा जो लेस्बियन होने का टैग हो समाज को भी पता ना चले और मेरा पति भी मेरे रास्ते से हट जाए और मैं विधवा के रूप में किसी और लड़की के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिता सकूं, समाज में इज्जत भी बरकरार रहे, समाज को पता भी ना चले कि मैं लेस्बियन हूं और मेरी जिंदगी आराम से कटे। वो अपने मम्मी पापा से ये बात नहीं बताना चाहती थी, समाज से ये बात नहीं बताना चाहती थी, और इसीलिए चरण सिंह को मौत की नींद सुला दी। पता चलता है कि उसकी जो दोनों बहनें थी वो भी लेस्बियन थी और वो भी अपने पति से तलाक ले चुकी थी। यही है चरण सिंह जोधपुर हत्याकांड की कहानी। इस पूरी वारदात को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।